तो गाइस थंबनेल देखकर आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर जब भी हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन जैसे सर्च करेंगे, जैसे कि यहाँ सर्च करेंगे फ्री फायर, इस पर अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर अपडेट मांग रहा है तो अपडेट करने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्राई अगेन आ रहा है। तो इसी का सोल्यूशन हम बताएंगे, देख सकते हैं हम जैसे कि दिखा पा रहे हैं आपको, इसी का समाधान बताएंगे। तो सबसे पहले तो चेक कर लेना है कि मेरा डाटा चल रहा है या नहीं चल रहा है, डाटा चलता है कि नहीं। यहाँ पर यूट्यूब ओपन करके दिखाते हैं, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि यहाँ डाटा पूरी तरह से काम कर रहा है। ठीक, उसके बाद फिर से प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर कोई सा भी एप्लीकेशन जैसे फेसबुक लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे देखिए वही ऑप्शन आ रहा है ट्राई अगेन का। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर का ऑल डाटा क्लियर कर देना है। यहाँ पर प्ले स्टोर पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आई का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक करेंगे। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर ऑल डाटा, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर ऑल डाटा, इस पर क्लिक करेंगे डाटा ऑल क्लियर कर देंगे। ठीक, ओके क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको बैकग्राउंड से हटा देंगे, हटा दिए। उसके बाद करना क्या है, फिर से प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखते हैं कि समाधान हुआ या नहीं, इस पर क्लिक करेंगे। फ्री फायर सर्च करेंगे, FREW फ्री फायर यहाँ पर सर्च किए, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपडेट फॉर्म प्ले, यहाँ पर अपडेट करेंगे, देख सकते हैं नया वर्जन आ गया इसका, इसको अपडेट करना है। यहाँ एग्री पर क्लिक करना है, इस पर स्क्रीन लॉक मांगेगा, यहाँ पर फिंगर या स्क्रीन लॉक दे देना है। यहाँ पर फिंगर नहीं ले रहा है तो गो बैक करेंगे, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अपडेट होना चालू हो गया है। जैसे कि कोई सा भी एप्लीकेशन अब लेते हैं, फेसबुक जैसे उस समय किए थे तो उसमें भी आया था, फेसबुक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी नया वर्जन आ गया इसका।